हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी चैप्टर 8 दोहाष्टक दोहे उसके शब्दार्थ मैंने ब्लैकबोर्ड पर बता दिए हैं, आप ध्यान दीजिए, मैं दोहे समझा रही हूँ। कबीर, तुलसीदास और रहीम, ये तीन के दोहे इसमें बताए गए हैं, उसके बारे में बता रही हूँ। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीत आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए दोहे संकलित है। कबीर, ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं, ये बड़े संत थे। उन्होंने हिंदी और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, ये और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास, ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दोहे का अर्थ समझा रहे हो। कबीर जी कहते हैं कि कोई आदमी बहुत अच्छा बड़ा हो पर गुण न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी वह निकम्मा है, क्योंकि उनकी छाया मुसाफिरी को नहीं मिलती, उनके फल भी उससे दूर लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु सुप के समान होना चाहिए, जिस तरफ सुप अनाज के निकम्मे कचरे को फेंक देता है और अनाज को अच्छे दानों को रख लेता है, साधु भी अच्छे गुणों को अपनाने वाला होना चाहिए। माखी गुड़ में गाड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। मक्खी गुड़ की लालच में गुड़ पर बैठती है, अब उसके पंख गुड़ में फंस जाते हैं, वह हाथ मलती और सिर घूमती है पर छूट नहीं सकती, सचमुच लालच बुरी आपत्ति है। ये कबीर के दोहे थे। अब आगे के हैं तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास, इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी तालाब संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं, नदी और नाव के संयोग से तरफ सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसीदास, हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मोह डोर के चाम से लोहे भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती, मरे हुए पशु की चमड़ी लोहे का भी भस्म कर देती है। रहीम, धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, टूटने से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे जो झटके हैं वो मत तोड़िए, टूटने के बाद फिर वह नहीं जुड़ते, जुड़ने से गांठ पड़ जाती है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहु न पानी, कही रहीम पर का जहित, संपत्ति संचयी सुजानी। कवि कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, सज्जन परोपकार के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीम, देखिए बड़े का लगुन दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ की तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। तो ये सारा तुम्हारा लेसन कम्प्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।